अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग वहां पूरी दुनिया के लोगों को कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करते हैं यह आपने सोचा नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को वहां के भारतीय मूल के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में भी नहीं पता होगा। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपनी कुशलता की वजह से लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और समृद्धि के नए कीर्तिमान भी बना रहे हैं। अमेरिका में जनगणना के सामने आए आंकड़े यह बताते हैं कि कॉलेज एजुकेशन और संपत्ति के मामले में भारतीयों ने यूएसए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया है। अमेरिका में रहने वाले ताइवानी नागरिकों की औसत घरेलू आमदनी $97,000 है, जबकि फिलीपींस के नागरिकों की $95,000 है। अमेरिका में रहने वाले चीनी नागरिकों की औसत घरेलू आमदनी $85,000 है, जबकि जापानियों की आमदनी $84,000 के करीब है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की औसत घरेलू आमदनी 1,23,000 हो चुकी है, जबकि अमेरिका की कुल आबादी का औसत $63,000 है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा ऐसा भी है जहां अमेरिका में रहने वाले 42 लाख भारतीय अमेरिकियों में से करीब 6.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, फोर्ब्स की सूची अमेरिका रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन 2019 में अरिस्टा नेटवर्क्स के अध्यक्ष जयश्री उल्लाल, सिंटेल की सह संस्थापक निर्जा सेट्टी और कंफ्लुएंट की अधिकारी सह संस्थापक नेहा नरकड़े को शामिल किया गया है। ये तीनों महिलाएं भारत मूल से होकर वहां रहने वाले भारतीयों में से सबसे अमीर व्यक्ति है। इनके बारे में आप में से कुछ लोगों ने न्यूज चैनल में जरूर सुना होगा। उल्लाल सूची में 18वें स्थान पर है। उनके पास अरिस्टा के शेयरों की 5% हिस्सेदारी के साथ $1.40 अरब की संपत्ति है। फोर्ब्स ने कहा, लंदन में पैदा हुई तथा भारत में पली बड़ी उल्लाल अब अमेरिका की सबसे धनी पारिवारिक कार्यकारियों में से एक है। जयश्री उल्लाल का मानना यह है कि सफलता के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आपका महिला या पुरुष होना आपके संघर्ष में कोई अंतर नहीं लाता। वे कहती है कि लोगों को कुछ नया करते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए, हमेशा नया करने से कामयाबी मिलती है। जयश्री उल्लाल को यह मुकाम पारिवारिक विरासत से नहीं बल्कि इनकी कड़ी मेहनत से मिला है। 6 नवंबर को अपनी व्यापक बातचीत के दौरान उल्लाल ने विद्यार्थियों के लिए 3 मुख्य सलाह दी है। पता करें कि आप किसमें उत्कृष्ट है, अपना सपना खोजे और वह खोजे जिसमें आप न केवल अच्छे है बल्कि उत्कृष्ट भी है। दूसरी सलाह यह है कि आप अपने कौशल का विस्तार करें और आप अपने उपहार और अन्य क्षेत्रों के बीच बिंदुओं को जोड़े। तीसरी सलाह, आप प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सकते हैं या आप एक कॉरपोरेट कार्यकारी बन सकते हैं। संभवतः मैंने जो बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि आप दिल से एक उद्यमी बने रह सकते हैं और उस उद्यमशीलता की यात्रा को एक कॉरपोरेट कार्यकारी भूमिका में विकसित कर सकते हैं। सामने से नेतृत्व करें, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और अरबों का निर्माण करें। 27 मार्च 1961 को लंदन में जन्मे जयश्री उल्लाल के पिता भौतिक शास्त्री थे। जयश्री का लालन पालन और आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुआ। इसके बाद इनके पिता को अमेरिका में नई नौकरी मिल गई और पूरा परिवार वही चला गया। इसके बाद जयश्री ने अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से BS इन इंजीनियरिंग और सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री हासिल की। 57 वर्षीय उल्लाल ने एडवांस माइक्रो डिवाइस में बतौर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटजी पद पर कार्यभार संभाला। इसके बाद उनकी काबिलियत और मेहनत के दम पर उनके करियर को उड़ान मिलती रही। सितंबर 1993 में उल्लाल ने सिस्को सिस्टम वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर का पद संभाला। इनके कार्यकाल में कंपनी का व्यापार $5 बिलियन तक पहुंचा, जहां उन्होंने 15 साल तक कार्य किया। कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क से जुड़ने के बाद 2008 में कंपनी के संस्थापकों ने सहमति के साथ जयश्री उल्लाल को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया, जिसके बाद जून 2014 में उल्लाल ने अरिस्टा नेटवर्क को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में IPO का दर्जा दिलाया। इस कंपनी की आय 2017 में $1.6 अरब रही। जयश्री उल्लाल बताती है, मेरी बहन सुशी 46 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से अपनी लड़ाई हार गई। मैंने महीनों तक उसके बिस्तर के पास काम किया और उसने जो मुझे मूल्यवान सबक सिखाया वह हमारे जीवन और हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शनों की गहराई से सराहना करना था। सुशी के गुजर जाने के बाद हमारी परिवार ने महिलाओं के लिए सीता फाउंडेशन शुरू किया, जो महिलाओं को शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड देने का काम करती है।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्कूलों तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सीता कैंसर अनुसंधान के लिए भी धन देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।